हेलो एवरीवन, आज के लेक्चर से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कि कैसे गिवन लैंग्वेज से हम ग्रामर बनाते हैं। तो मान लीजिए कि आपके पास एक लैंग्वेज गिवन है एंड दिस लैंग्वेज इज ए रेस्ट टू द पावर एन, वेयर एन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो हमारी जो स्ट्रिंग्स हैं लैंग्वेज में उसमें केवल एज होंगे और ए की संख्या कितनी भी हो सकती है। तो अगर हम इस लैंग्वेज का सेट बनाएं स्ट्रिंग्स वाला, तो वी विल हैव एप्सिलॉन ऑल्सो। अगर एन की वैल्यू 0 है, अगर एन की वैल्यू 1 है तो ये ए होगा, सिमिलरली एन की वैल्यू 2 है तो ये डबल ए होगा, सिमिलरली ट्रिपल ए एंड सो ऑन सो फोर्थ। एक इनफिनिट लैंग्वेज होती है। तो अगर इसके लिए मुझे एक ग्रामर बनाना है तो मुझे ये इंश्योर करना है कि इससे एप्सिलॉन प्रोड्यूस होता है। तो एस प्रोड्यूसेस या जो स्टार्ट सिंबल है वो एप्सिलॉन तो जरूर प्रोड्यूस करेगा। इसके बाद वो ए या डबल ए या ट्रिपल ए, इसका मतलब वेरिएबल नंबर ऑफ एज को प्रोड्यूस करेगा। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि स्मॉल ए फॉलोड बाई एस एंड एप्सिलॉन। तो इसका मतलब क्या है कि हर एक बार जब एस को हम एक्सपैंड करेंगे तो उससे सिंगल ए एडिशनल आता रहेगा। तो मान लीजिए कि अगर हमें ट्रिपल ए जनरेट करना है तो डिराइवेशन कैसे होगा। अगर हम लेफ्ट मोस्ट डिराइवेशन करें तो एस प्रोड्यूसेस स्मॉल ए कैपिटल एस। इस एस को हम फिर से रिजॉल्व करते हैं तो एस स्मॉल ए कैपिटल एस, और इस एस को हम फिर से अगर एक्सपैंड करें तो स्मॉल ए कैपिटल एस। इस तरह से जो स्ट्रिंग हमारी प्रोड्यूस हो रही है वो है ट्रिपल ए, और एंड में हमें इस एस को भी एक्सपैंड करना पड़ेगा यूजिंग द एप्सिलॉन। तो इस तरह से जो स्ट्रिंग हमारी प्रोड्यूस हुई वो टोटल प्रोड्यूस हुई ए और ए फॉलोड बाई दी एप्सिलॉन। तो मीनिंग ऑफ एप्सिलॉन कॉन्केटिनेटेड विद एनी स्ट्रिंग विल हैव नो इफेक्ट, सो द स्ट्रिंग इज ट्रिपल ए। तो हमने ट्रिपल ए से जनरेट कर दिया। तो आप इससे किसी भी टाइप की लैंग्वेज को जो कि ए पावर एन टाइप की है वो जनरेट कर सकते हैं इस फॉर्म में, एस प्रोड्यूसेस स्मॉल ए कैपिटल एस एंड एप्सिलॉन। मान लीजिए कि आपके पास एक लैंग्वेज है जो आपको जनरेट करनी है, वो है ए पावर एन एंड बी पावर एम, जहां पे एन एंड एम इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो इसका मीनिंग क्या है कि अगर आप एन की कोई एक वैल्यू सेलेक्ट कर लें और एम की कोई वैल्यू सेलेक्ट कर लें, लेट से हमने एन की वैल्यू 0 सेलेक्ट किया और एम की वैल्यू भी 0 सेलेक्ट किया, तो लैंग्वेज के सेट में हमारे यहाँ आएगा एप्सिलॉन। अगर हमने एन की वैल्यू 1 सेलेक्ट की और एम की वैल्यू 2, तो लैंग्वेज सेट में आएगा ए डबल बी। अगर हमने एन की वैल्यू 2 सेलेक्ट की और एम की वैल्यू 1 सेलेक्ट की तो ये हमारा आएगा डबल ए बी। अगर हमने एन की वैल्यू 2 सेलेक्ट कर ली और एम की 0 तो ये डबल ए हो जाएगा। अगर हमने एन की वैल्यू 0 सेलेक्ट कर ली और एम की वैल्यू 1 सेलेक्ट की तो ये सिंगल ए और सिंगल बी हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो जनरेट कर रहा है वो इस तरह से जनरेट कर रहा है, अगर ए और बी दोनों हैं तो पहले एज आएंगे देन बी आएगा। ऐसा भी हो सकता है कि केवल एज ही हूँ, ऐसा भी हो सकता है कि केवल बीज ही हूँ। तो इसका मतलब क्या है कि ये रेगुलर एक्सप्रेशन अगर हम इसका बनाना चाहें, सो दिस इज समथिंग लाइक ए स्टार एंड बी स्टार। इसका मतलब है कि पहले एज आएंगे देन बी आएंगे। स्टार लगा हुआ है इसका मतलब कि हम स्किप भी कर सकते हैं, 0 एज ले सकते हैं, तो फिर केवल बी जनरेट होगा। अगर हमने बी स्टार की जगह, बी स्टार में हमने एप्सिलॉन सेलेक्ट किया तो केवल एज ही नहीं है। तो ए स्टार बी स्टार टाइप का ये हमारी लैंग्वेज है। अगर हम इस लैंग्वेज को ध्यान से देखें सो ये ए स्टार लैंग्वेज है। हमने ऑलरेडी ए स्टार के लिए ये बना लिया है, अब हमें ए स्टार बी स्टार के लिए बनाना है। तो हम ग्रामर कैसे बनाएंगे, मान लेते हैं कि दो सिंबल्स हैं कैपिटल ए और कैपिटल बी। ए वाला जो पार्ट है वो ए स्टार जनरेट करता है और बी वाला पार्ट लेट से बी स्टार जनरेट करता है। सो वी कैन से दैट ए प्रोड्यूसेस स्मॉल ए कैपिटल ए और एप्सिलॉन इस वाले रूल से। सिमिलरली स्मॉल बी जनरेट सॉरी कैपिटल बी जनरेट स्मॉल बी कैपिटल बी एंड एप्सिलॉन, सेम इसी रूल से, बिल्कुल उसी पैटर्न का हमने एक ग्रामर लिख दिया। सो दिस बिकम्स द ग्रामर फॉर ए स्टार एंड बी स्टार। वही इसकी हमें एक स्ट्रिंग को डिराइव करके देखते हैं। लेट से हमें यहाँ से डबल ए बी डिराइव करना है, तो डबल ए बी के लिए हमने एस प्रोड्यूसेस ए बी लिखा और इस ए से हम जनरेट कराते हैं स्मॉल ए कैपिटल ए, इससे हम फर्दर जनरेट कराते हैं स्मॉल ए कैपिटल ए, एंड देन इस ए को एप्सिलॉन जनरेट करा देते हैं। देन अब बारी इस बी की है, हम लेफ्ट मोस्ट डिराइवेशन कर रहे हैं, तो लेफ्ट मोस्ट सिंबल को ही हम सबसे पहले रिजॉल्व कर रहे हैं। जब ये पूरा रिजॉल्व हो जाएगा तो राइट की तरफ से होंगे। सो बी को हम रिजॉल्व करते हैं, सिंगल बी हमें लेके आना है। सो स्मॉल बी कैपिटल बी, क्योंकि बी की संख्या सफिशियंट हमारे पास आ चुकी है, सो दिस बी विल जनरेट एप्सिलॉन।
अगर आप इसका डिराइवेशन देखें, दिस इज ए ए एप्सिलॉन देन बी एंड देन एप्सिलॉन, इसका मतलब है ए ए एप्सिलॉन एंड बी एप्सिलॉन, एनीथिंग कॉन्कैटिनेटेड विद एप्सिलॉन विल हैव नो इफेक्ट, सो दिस एक्चुअली जनरेट्स डबल ए बी जो कि इस लैंग्वेज का पार्ट नहीं है। सो हमने इस तरह से एक और लैंग्वेज के लिए, एक और रेगुलर लैंग्वेज के लिए ग्रामर लिख दिया। मान लीजिए कि आपके पास एक ग्रामर, एक लैंग्वेज गिवन है ए पावर एन बी पावर एन और सी पावर एल, सो दिस इज द लैंग्वेज एंड इस लैंग्वेज में वी आर सेइंग दैट एन एम एंड एल इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो ये जो तो लैंग्वेज है वो ऐसी लैंग्वेज है जिसमें कि हम ऐसा कह सकते हैं कि इसका रेगुलर एक्सप्रेशन ए स्टार बी स्टार और सी स्टार जैसा होगा, और ए स्टार बी स्टार और सी स्टार जैसा अगर हमारे पास एक रेगुलर एक्सप्रेशन है तो इसको हम ऐसा कह सकते हैं कि कैपिटल ए कैपिटल बी और कैपिटल सी हमने जनरेट किया एस से, ए स्मॉल ए जनरेट करेगा, बी स्मॉल बी जनरेट करेगा और सी स्मॉल सी जनरेट करेगा। सो कैपिटल ए से हम कैसे ए जनरेट करेंगे, ए स्टार का हमें पता है कि किस तरह से लिखा जाता है ग्रामर, तो स्मॉल ए कैपिटल ए एंड एप्सिलॉन। सिमिलरली बी से हम कैसे जनरेट करेंगे, स्मॉल बी कैपिटल बी एंड एप्सिलॉन, और स्मॉल सी से क्या जनरेट करेंगे, स्मॉल सी कैपिटल सी और एप्सिलॉन। ठीक है, जो हमने ग्रामर बनाया है दिस विल बी वर्किंग फॉर द रेगुलर एक्सप्रेशन ए स्टार बी स्टार एंड सी स्टार। एक इसकी कोई भी एक स्ट्रिंग ले लेते हैं, जैसे से हमें ए बी बी सी सी जनरेट कराना है, तो एस प्रोड्यूसेस कैपिटल ए कैपिटल बी एंड कैपिटल सी, एंड दिस ए जनरेट्स स्मॉल ए कैपिटल ए एंड देन दिस ए जनरेट्स एप्सिलॉन। सो ए हो चुका मेरे पास, अब मुझे दो बी लेके आना है, तो एक पहले एक्सपेंशन में हम कह सकते हैं कि स्मॉल बी कैपिटल बी जनरेट करता है बी, फर्दर हम एक बी और जनरेट करा देते हैं एंड देन इससे हम एप्सिलॉन जनरेट करा देंगे, क्योंकि मुझे दो सी चाहिए तो हम यहाँ पे स्मॉल सी एंड कैपिटल सी जनरेट कराते हैं, देन इस सी से स्मॉल सी एंड कैपिटल सी एंड इस सी से एप्सिलॉन। सो अगर हम इसका स्ट्रिंग देखें क्या प्रोड्यूस हुई, तो ए एप्सिलॉन बी बी एप्सिलॉन देन सी सी एप्सिलॉन, सो ए एप्सिलॉन बी बी एप्सिलॉन एंड सी सी एप्सिलॉन, एनीथिंग कॉन्कैटिनेटेड विद द एप्सिलॉन विल हैव नो इफेक्ट। सो यहाँ पे हम कह सकते हैं ये हमारी स्ट्रिंग जनरेट हो रही है, तो दिस ग्रामर इज वर्किंग फाइन फॉर द गिवन लैंग्वेज, सो दिस वे वी कैन कंस्ट्रक्ट द ग्रामर फॉर द गिवन रेगुलर लैंग्वेज। थैंक्स फॉर वॉचिंग, वी विल टेक मोर एग्जाम्पल्स इन द नेक्स्ट लेक्चर।